अनु आज हम जा रहे तपे श्री मंदिर पढ़ रहा हूँ। वहाँ देखो टीका लगाया, ये भी 9 दिन व्रत है। हम दोनों लोग 9 दिन व्रत है, पर इसकी पढ़ाई ज्यादा है ना, तो इसलिए इसको तपेश्वरी ले लिए जा रहे हैं। नहीं तो रो तो ये भी रही, रोक दिखाओ। अनु को नहीं लिए जा रहे क्योंकि आप फिर घर में भी तो कोई रहना चाहिए ना। दीपक जल रहा है, अखंड जोत जल रही है और जवारे बोए, तो घर में एक लोग रहने चाहिए ना, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। और अनु घर रहेगी, अनु घर पे, अनु घर पे रहेगी। देखो अनु ने साड़ी पहनी है, बताओ कैसे लग रही है। पहले हम मेला देखेंगे, मेला में हर माल बहुत सस्ता है, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, ये बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये तपेश्वरी माता का मंदिर है जहाँ पर ये मेला लगा हुआ है। तपेश्वरी माता मंदिर बहुत पुराना है, 5000 साल करीब पुराना। चाहे बोतल लो चाहे कुछ भी लो, 30 रुपया। हाँ, तपेश्वरी माता का मंदिर है और वहाँ का ये मेला है, तो मेला में देखते हैं क्या क्या मिलता है। वैसे मेला में सभी कुछ मिलता है, सबसे ज़्यादा तो भीड़ है यहाँ पे। और देखो अच्छी अच्छी चीज़ें मिली, पर्स कितने अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, फूलों के जगह। कितना ₹10 हर माल, हर माल में जो कुछ है वो देखो कैसे रखे ताप है हर माल सब बर्तन। हर माल 5 रुपया। ये मंदिर गुरहाना रोड में स्थित है जो कानपुर स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, बस स्टॉप से भी 5 किलोमीटर दूर है। और ये बहुत फेमस और बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी और बहुत सस्ती मिलती है और बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। लोग उसका मुंडन भी यहीं पे हुआ था तपेश्वरी में, और माता सीता ने यहाँ पे तपस्या की थी इसलिए इसे तपेश्वरी मंदिर कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध और बहुत पुराना मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो आज हम चलते हैं माता तपेश्वरी के दर्शन करने के लिए। ये छोटा सा मंदिर संकटा देवी माता का मंदिर है जहाँ पे संकटा खिलाई जाती है। जब लोगों के संकट दूर हो जाते हैं तो आप भी दर्शन कर लीजिए। जय हो संकटा देवी मैया महारानी। बहुत प्रसिद्ध और शायद कानपुर में एक ही मंदिर है संकटा देवी। और अब हम पहुंच गए वैभव लक्ष्मी माता मंदिर, जो यूपी में सिर्फ एकलौता मंदिर है वैभव माता लक्ष्मी का मंदिर, जिसमें हर नवरात्र में यहाँ खजाना बढ़ता है शुक्रवार को। और आज शुक्रवार ही है तो हम दर्शन करने आए थे, तो हम खजाना भी लेके जा रहे हैं माता का। इस खजाने को अपने तिजोरी में अपने पर्स में रखा जाता है और इसको रखने से घर में बहुत शुभता आती है, बहुत धन वैभव लक्ष्मी सब आते हैं। जय हो वैभव लक्ष्मी माता की। वैभव माता लक्ष्मी के भी दर्शन कर लीजिए आप। और नवरात्र में जितने भी दर्शन हो जाए ना उतने ही अच्छे होते हैं। इस मंदिर में दक्षिणेश्वर हनुमान जी का भी मंदिर है और
साईं जी का भी दरबार लगा हुआ है और माता की ज्योत देखो कितनी तेजी से जल रही है, यहाँ पे जलाई जाती है। वैभव लक्ष्मी के खजाने के साथ में वैभव लक्ष्मी यंत्र और पोटली भी मिलती है, उसको ला के आप अपने घर में पूजा स्थान पे रख सकते हैं। इस मेला में ये जो छोटे छोटे खिलौने मिल रहे हैं ना, ये जब बनते हुए देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा ये मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, कितनी बढ़िया बना। अब हम पहुंच गए हैं वैभव लक्ष्मी और माता तपेश्वरी मंदिर के बीच में। ये मंदिर बना हुआ है, ये भी बहुत पुराना मंदिर है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो हमने कहा कि यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं, यहाँ भोले बाबा विराजमान हैं और ये भी मंदिर बहुत अच्छा बना है और पुराने टाइम से बना हुआ है। इसकी देखिए नक्काशी है कितनी पुरानी है, माता वैभव लक्ष्मी के, तपेश्वरी माता के, संकटा देवी माता के, भैरव बाबा के, सबके आज हमने दर्शन किए और हमने आपको दर्शन कराए भी। आप सब लोग भी आइए, माता का आशीर्वाद पाइए। तपेश्वरी माता सबकी झोली भरती है, कहाँ पे बहुत सारे घंटे भी चढ़े हैं, जिनकी मान्यता पूरी हो जाती है वो तपेश्वरी माता में घंटा चढ़ाते हैं, अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। आप भी आइए। आज हम आए तपेश्वरी और तपेश्वरी में हमने आपको वैभव लक्ष्मी माता के दर्शन कराए, संकटा माता के दर्शन कराए और देखो वहाँ से हम खजाना ले आए। यहाँ आज खजाना बच रहा है ना, आंसू कुमार है, दिखाओ किसमें। देखो ये भी मिला, ये देखो ये भी मिला खजाने में। आज हम वहाँ से खजाना लेके आए और बहुत भीड़ है, अभी तपेश्वरी माता के दर्शन नहीं किए, हर जगह पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, पर तपेश्वरी माता के हमने दर्शन करके और वीडियो बनाई, जितनी भी बनाई हमने डाली है, आप देखिए और तपेश्वरी माता के दर्शन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता की। जिन माता तपेश्वरी की हम पूजा करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, यहाँ कभी जंगल हुआ करता था, यहाँ गंगा की धारा बहती थी, तब माता सीता ने जब तपस्या की थी तो यहाँ माता तपेश्वरी प्रकट हुई थी और तब से लेके आज तक यहाँ माता तपेश्वरी देवी की ही पूजा होती है, क्योंकि सीता माता ने यहाँ तप किया था जब लक्ष्मण जी उनको बिठूर छोड़ गए थे आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में। तो ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और इस मंदिर के अंदर जो चार देवियाँ विराजमान हैं वो सबकी झोली भरती हैं। यहाँ पे मुंडन भी होता है, कंछेदन भी कराया जाता है, जिनके जो लोग निसंतान होते हैं ना उनकी ये चारों माता मिलके झोलियाँ भरती हैं। और यहाँ नवरात्र में बहुत भीड़ होती है, वो तो आपको वीडियो में दिख ही रही होगी, बहुत भीड़ होती है, दर्शन करना भी दुर्लभ हो जाता है, इतनी भीड़ होती है, लाइन से सब लोगों को जाना होता है और तपेश्वरी मैया का जितना भी गुणगान किया जाए कम है। यहाँ पे नवरात्र में हर दिन ही भीड़ बहुत होती है। सब लोग तपेश्वरी माता के दर्शन कर लीजिए, माता के आशीर्वाद। कानपुर में, कानपुर के बीचों बीच फूलबाग से 100 मीटर दूर पे बना हुआ ये मंदिर है। और यहाँ मेला के साथ साथ नाक कान भी छेदे जाते हैं, इंसान अपने बच्चों के कान छिदवाने का, जो बच्चे बहुत जुट जाते हैं ना, देखो उनका मुंडन होता है, मुंडन तो मान्यता के हिसाब से होता है, जो लोग मदद मानते हैं तो वो यहाँ मुंडन कराते हैं और जो बच्चे जिद करते हैं उनके कान छेदे जाते हैं। आप भी आइए, माता के दर्शन कीजिए और माता के आशीर्वाद पाइए। हाँ नहीं के दुआ में सब बहुत डर लगता है यार। अबे रुकी रहो, हिलाओ नहीं, निकल बिगड़ जाएगा।
ऐसा है क्या? निकल जाएगा थोड़ा साबुन और निर्मल, वो छूटता जाता है हाँ। ना नहीं वो तो नहीं, वो कभी गायब भी नहीं होता, हमने देखा है। चमड़ी के चलिए।